नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी सक्सेना। एचपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। एचपी न्यूज लाता है आप सभी के लिए हर छोटी से बड़ी खबरें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को हर खबर की अपडेट आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। राजगढ़ जिले के नगर कुरावर में बालिकाओं ने दिया मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन। आपको बता दें कि वर्तमान में नगर परिषद के चुनाव सामने हैं और नगर की जनता इन दिनों वरिष्ठ नेताओं की टांग खींचने पर लग गई है। नगर में कई वरिष्ठ नेता तो हैं, लेकिन नगर के अव्यवस्थाओं के बारे में कभी किसी ने कोई खबर नहीं ली। भले ही कुरावर नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, लेकिन अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं को उपचार के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इधर नगर में सड़क तो बना दी है, लेकिन नालियां नहीं बनाई गई, जिसके कारण नगर में कई मोहल्लों में कीचड़ मचा हुआ है। इधर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल बना दिया गया है, लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है, जिससे युवक युवतियों को अपनी उच्च शिक्षा और खेल के लिए उचित मार्गदर्शन व एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके लिए नगर युवा गर्ल्स यूनियन कुरावर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। 200 युवतियों ने अपनी तीनों मांगों को लेकर सोमवार दोपहर 2 बजे मार्केटिंग सोसाइटी परिसर में एकत्रित हुई, जहां से रैली बनाते हुए उप तहसील कार्यालय कुरावर पहुंची, जहां पर 200 से अधिक युवतियों ने नायब तहसीलदार श्री विकास रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा तथा शीघ्र मांगे पूरी करने के लिए निवेदन किया। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। जी के नाम ज्ञापन दिया है और हमने हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मैडम को भी ज्ञापन दिया। हमें विश्वास है, उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैडम हमारे इस काम में हमारा पूरा सहयोग करेंगी और हमारे मदद करेंगी और हमारी आवाज़ को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगी, मंत्री जी तक पहुँचाएंगी और जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करवाएंगी। मेरा तो बस इतना कहना है कि आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज मेरी नगर की बेटी, उनने जो कदम बढ़ाया है अपना, उनका एक कदम बढ़ा है, मैं उनके साथ अपने 10 कदम बढ़ाऊंगी और इस कदम बढ़ाने में मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सबके मामा जी कहलाते हैं और बहनों के भाई कहलाते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो आज बेटियों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आगे बढ़े हैं, उन्हें हिम्मत दी है और ये जो शर्तें उनने जो रखी हैं बेटी उनने, उन शर्तों को पूरा करवाने के लिए मैं विधायक जी के पास भी जाऊंगी, माननीय सांसद जी के पास भी जाऊंगी और पूरा करवाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास भी जाऊंगी और इनके इन्हें विश्वास दिलाती हूँ मैं अपने नगर की बेटी उनको कि जो इनने कदम उठाया है उनका कार्य पूरा करूँगी। प्राप्त हुआ है नगर में जितनी भी लड़कियाँ हैं, जो विशेषकर अभी स्कूल के पीरियड में स्कूलिंग कर चल रही है, जिनकी कॉलेज चल रहा है, उन सभी की डिमांड है कि एक जिम का निर्माण किया जाए कुरावर में, एक प्लेग्राउंड हो जिसमें वो व्यवस्थित रूप से घूम सकें और एक स्थायी महिलाकर्मी डॉक्टर की नियुक्ति हो यहाँ पे, क्योंकि आबादी 20,000 से ज़्यादा है कुरावर की। तो ये मांगे इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की है और आशा की है कि इनको जल्द से जल्द सभी पूरा हों। तो हम देखते हैं अपने लोकल व्यवस्था क्या कर सकते हैं और जो भी ऊपर से दर्शन निर्देश प्राप्त होंगे उनके अनुसार कार्रवाई।